दतिया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महिलाओं एवं बालिकाओं पर होने वाली अत्याचार एवं अपराध के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा समाज में जागरूकता एवं अपराध घटित न हो इसके मुद्दे को लेकर नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन सेवड़ा चुंगी वार्ड क्रमांक 1 बगीचा सरकार पर किया गया, जिसमें कन्याओं के भोजन उपरांत सभी कन्याओं को दक्षिणा भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दतिया कांग्रेस विधायक जितेंद्र भारती तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता अवधेश नायक, प्रदेश प्रवक्ता अंबिका शर्मा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामकिंकर गुज्जर ने की। कार्यक्रम का संचालन सुरेश झा ने किया। आभार व्यक्त मोहन कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में भारती जी ने कहा कि जिन्हें हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं ऐसी छोटी छोटी कन्याओं के साथ हैवानियत मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम है। वहीं अपने उद्बोधन में जिलाध्यक्ष गुज्जर ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं पर होने वाले अपराध का कांग्रेस डटकर विरोध करेगी और इस गूंगी बाहरी सरकार के होश ठिकाने लगा देगी। इसी क्रम में अपने उद्बोधन में अवधेश नायक ने कहा कि हम सभी की भूमिका जिम्मेदारी है कि हम बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। शहर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो बच्चियों एवं महिलाओं का दर्द नहीं समझते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें मर्द नहीं समझते। प्रदेश प्रवक्ता अंबिका शर्मा सहित कांग्रेस अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम में बगीचा सरकार के महंत राकेश महाराज, कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक आदि मौजूद रहे। समाज के दो तीन क्षेत्रों के जो अग्रणी लोग होते हैं उनको देख के समाज आगे बढ़ता और चलता है। धर्म के क्षेत्र में संत महात्माओं को लेके, उनके राजनीति में नेताओं के को लेके और विभिन्न क्षेत्रों में जो लीड करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनके आचरण व्यवहार और चरित्र को देख के समाज चलता है। और इसलिए कि इनके अनुयायी और फॉलोअर्स बहुत होते हैं। एक संत का जैसा आचरण व्यवहार और चरित्र होगा उस संत के अनुयायी बहुत होंगे, तो वैसे ही आचरण व्यवहार और चरित्र उनका होगा। राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो लीड करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वर्तमान परिवेश में इनका चरित्र आचरण व्यवहार बदल गया। आप देखते हैं एक फिल्मी कलाकार होता है, तो फिल्मी कलाकार युवा जो है उसी तरह का आचरण व्यवहार और पहनावा ये सब करना चाहिए। सलमान खान के बाल बाल की चेहरा घुमसाए बैठे हरे बाल रखा उनको देख के, मतलब इस जो इस लाइन में है उन लाइन क्षेत्रों के वो नेता हैं जो लीड करने वाले हैं उनका प्रभाव समाज को पड़ता है। ज्यादा यदि कोई क्षेत्र में खराबी आई है या उसमें बिगाड़ आया है वो है राजनीति का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र। अब धर्म के क्षेत्र में आप लोगों तो राम रहीम, आसाराम बापू, अब राम रहीम जैसा जिसके ऊपर इतने ज़्यादा बलात्कार यौन शोषण के केस हैं वो जेल में रहता है, लेकिन हरियाणा चुनाव के दौरान उसको पैरोल दी जाती है, छोड़ दिया जाता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे नेताओं का होता है। जैसा वातावरण होगा, और ये मनोविज्ञान है, जब आदमी जैसी देखता है, अब मोबाइल पे लोग क्या देखते हैं आजकल, मोबाइल पे जो जिनका आचरण व्यवहार जैसा है मोबाइल पे वही चीज़ देखते हैं, पॉर्न पिक्चर देखते हैं, नहीं देखते उसमें, और नेता तक देखते। कई तो विधानसभा में आपने सुना पड़ा देखा होगा कि नेता मोबाइल पे वो देख रहे हैं, सीसीटीवी में आ रहे हैं।